लेकिन एक बड़ी खबर, कोरोना की सेकेंड वेव पर वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। 15 से 20 अप्रैल के बीच पीक पर होगी सेकेंड वेव, ये कहना है साइंटिस्ट का। अप्रैल के आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा केस आएंगे, ये वैज्ञानिकों ने दावा किया है। जानकारों का कहना है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच कोरोना पीक पर पहुंचेगा, लेकिन 15 मई तक राहत के संकेत नहीं है, ये भी वो डरा रहे हैं। अगर पीक पर 15 अप्रैल तक पहुंच जाएगा तो 15 मई तक राहत नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं वो। आइए बिग वॉल पर चलते हैं जल्दी से और जानकारी लेते हैं इस बारे में, और आपको दिखाते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है कोरोना की इस दूसरी वेव से जुड़ी हुई, क्योंकि ये दूसरी वेव अब डरा रही है। आज हमने अभी आपके सवाल लिए, एक्सपर्ट से बात की, अब वैज्ञानिकों का दावा देखिए, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सेकंड वेव पीक पर होगी, यानी आने वाले दिनों में ये कोरोना और ज्यादा कहर बरपाने वाला है, ये वैज्ञानिकों का दावा है। देश में अभी और ज्यादा केस आने वाले हैं, ये कह रहे हैं वैज्ञानिक। मई के तीसरे हफ्ते तक राहत के संकेत नहीं है, यानी अभी लंबा हम सबको ये झेलना पड़ेगा। लोगों की लापरवाही और नए वेरिएंट से संकट बढ़ा है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। हल्के लक्षण पर लोगों का टेस्ट ना कराना खतरनाक हो रहा है, यानी अगर आपको थोड़ा भी कोई सिम्टम है या शक है तो टेस्ट जरूर कराएं। मई के आखिरी हफ्ते से केस तेजी से घट सकते हैं, ये राहत की बात है, लेकिन मई का आखिरी हफ्ता भी दूर है, काफी दूर है। आईआईटी कानपुर और कई यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों ने ये दावे किए हैं, और एक्सपर्ट्स के इस दावे पर अगर आप भरोसा करें तो वाकई ये डराता है। और ये बड़ी खबर है बांग्लादेश से, बांग्लादेश में कोरोना से हालात काफी बिगड़ गए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, सोमवार से पूरे बांग्लादेश में लॉकडाउन लग जाएगा। बहुत बड़ी खबर, सोमवार से एक हफ्ते के लिए पूरे देश में बांग्लादेश में लॉकडाउन लगेगा, और पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा बांग्लादेश में 69,000 पहुंच गया है। देश में एक दिन में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है बांग्लादेश का, और देखिए अब ये और डरा रहा है, पड़ोसी देश बांग्लादेश फुल लॉकडाउन में जा रहा है।